जिला लाइब्रेरी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों व युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मंडी को एक ज्ञापन सौंपकर लाइब्रेरी के बाहर बैठे टाइपर स्टोर को यहां से हटाने की मांग उठाई है। उपायुक्त कार्यालय के बाहर मुख्य द्वार के साथ लगती जिला लाइब्रेरी में नियमित अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों युवाओं को यहां लाइब्रेरी के प्रांगण में प्रशासन द्वारा लगाए गए टाइप स्टोर के कारण परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर लाइब्रेरी से संबंधित विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त मंडी से लाइब्रेरी के प्रांगण में मौजूद टाइपिस्ट को यहां से हटाने की मांग उठाई है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल युवाओं का आरोप है कि तीन टाइपिस्ट के पास आने वाले लोग अक्सर शोर शराबा करते हैं और भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं, जिससे कि लाइब्रेरी में वातावरण खराब होता है। इन युवाओं ने मांग की है कि लाइब्रेरी में शांत वातावरण स्थापित करने के लिए लाइब्रेरी के प्रांगण में बिठाए गए टाइपिस्ट को किसी दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मंडी में पढ़ाई करने के लिए रोज सुबह 8 बजे लाइब्रेरी के बाहर पहुंच जाता हूं। वहां पे लंबी लाइन लगी होती है, जिसके कारण जो है कि स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उन्हें सीट्स भी मिल जाती है, लेकिन बाहर जो टाइपराइटर्स बैठे होते हैं उसकी वजह से स्टूडेंट्स को अंदर पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि वहां पे लोग हजारों के हिसाब से लोग वहां पर आते हैं अपना काम करवाने के लिए, और लोग जोर जोर से बात करते हैं, बाहर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसके कारण अंदर स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ने में दिक्कत होती है। हम लोग 9 मार्च को बीटीसी सर के पास आए थे अपनी समस्याएं लेके, जिसमें से कुछ समस्याएं जैसे कि टॉयलेट की समस्या थी वो रिजॉल्व हो गई है, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी की समस्या और जो बाहर शोर होता है वो समस्या और एक दो समस्या हमारी और थी जो हमने एड्रेस किया, डीसी साहब को ज्ञापन दिया हुआ है हमने, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो हम डीसी सर के पास आज फिर से आए हैं कि उन प्रॉब्लम्स के लिए वो कुछ ना कुछ एक्शन जल्द से जल्द ले, क्योंकि अब एग्जाम्स भी आ रहे हैं हमारे नजदीक, तो विद्यार्थियों के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि डीसी सर जल्दी से जल्दी कोई ना कुछ एक्शन ले। आई एम विशाली, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से आए। मैं हम लोग लाइब्रेरी के इश्यूज को एड्रेस करने डीसी सर के पास आए थे। 9 मार्च को भी हम लोग यहाँ पे आए थे अपने इश्यूज एड्रेस करने के लिए, लेकिन उसमें से भी सम ऑफ द इश्यूज हैव बीन सॉल्व, बट स्टिल सम ऑफ द इश्यूज हैव नॉट बीन रिजॉल्व। और अभी हम लोग आए थे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो लाइब्रेरी है वहां पे टाइपराइटर्स बैठे होते जो कि बाकी लोगों के मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है उन लोग को एड्रेस और वो सब एप्लीकेशन वगैरह टाइप करने के लिए, वहां पे बहुत सारे लोग मतलब फ्रॉम द विलेजेस और ऑल ओवर द सिटी वो लोग आते हैं, तो फिर वो लोग बहुत शोर मतलब करके रखते हैं वहां पे, तो फिर इट्स यू नो टोटली not a favorable environment for the students to study. Even I am a UPSC student, you know what kind of environment we need to have around us for study. तो फिर उसकी वजह से बिल्कुल भी फेवरेबल वो एनवायरमेंट नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, और इवन वेंटिलेशन की भी बहुत दिक्कत है वहां पे। जो भी विंडोज है वहां पे तो वो लोग बैठे रहते हैं, फिर जो भी लोग आते हैं वो एब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज करते हैं, उसका भी क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर, और तो फिर इस वजह से बच्चे लोग ना पढ़ पाते। और अगर हम विंडोज वगैरह क्लोज करें तो फिर ना तो एसी है ना तो कोई वेंटिलेशन का कोई सोर्स है, फिर हम लोग यही इश्यूज एड्रेस करने के लिए आए थे, लेकिन वी आर स्टिल वेटिंग सिंस 1 आवर वी हैवंट